हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी मिल्क केक की रेसिपी, यानी कि जो हम बाज़ार से मिल्क केक लेकर आते हैं, जो कलाकंद लेकर आते हैं। कलाकंद को आप बिना दूध को फाड़े या बिना दूध को कर्डल किए आप कैसे बना सकते हो, वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने लिया है 1 कप कंडेंस्ड मिल्क, ये मैंने घर पे बनाया है, और 100 ग्राम के लगभग पनीर, ये फ्रेश पनीर है, और थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। और अब हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, कि जो मैंने पनीर लिया है उसको इस तरह से जिस कढ़ाई में हमें बनाना है उसी में इस तरह से ग्रेट कर देंगे। और इस तरह से ग्रेट करने के बाद हम जो हमारा कंडेंस मिल्क है वो इसमें डाल देंगे। ध्यान रखना है, ये गैस पे नहीं करना है, ये स्टेप नीचे ही करना है, और इसको अच्छे से पनीर और कंडेंस मिल्क को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये मैंने बाउल को धो के थोड़ा सा पानी डाल दिया है इसमें, क्योंकि कंडेंस मिल्क गाढ़ा होता है तो बाउल को चिपका हुआ रहता है। तो थोड़ा सा पानी डाल के आप इसमें डाल दें और अच्छे से पनीर में कंडेंस मिल्क को अच्छे से मिक्स कर दें। ये मैंने घर पे बनाया है, आप रेडीमेड भी ये मिलता है, आप वैसे भी मंगा सकते हो। तो अभी अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद हम इसको गैस पर रख दिया है मैंने, और बिल्कुल सिम गैस पर हमें इसको जितना पानी हमने डाला है और जो कंडेंस मिल्क में जो थोड़ा बहुत पानी रहा होगा, दूध रहा होगा, वो सब हमें जलाना है। इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी हार्ड करनी है। तो इस तरह से स्टर करते हुए हमें इसको पकाते रहना है। अब आप देख सकते हो दूध थोड़ा कम हो गया है, तो अब यहाँ पे मैंने डाला है इसमें थोड़ा सा इलायची का पाउडर, और इसको फिर से अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। अब ये देखिए, ये ऑटोमेटिक खुद ही बॉईल हो रहा है। अब यहाँ पे मैंने लगभग दोस्तों 2 चम्मच चीनी डाली है, क्योंकि जो कंडेंस मिल्क था वो मैंने घर पे बनाया था और उसमें मैंने ज़्यादा शुगर नहीं डाली थी। आप मार्केट से जो कंडेंस मिल्क लेकर आओगे उसमें ऑलरेडी बहुत शुगर होती है, प्रॉपर शुगर होती है उसमें, तो आपको शुगर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप कंडेंस मिल्क घर पर बनाते हो और शुगर आपको पता रहता है कि हाँ आपने कितना मीठा बनाया है, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें शुगर यूज़ करें। तो अभी देख सकते हो आप, इसका पूरा पानी जल गया है। अब इसमें मैंने डाला है लगभग 1 चम्मच घी, घी से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो अभी 1 चम्मच घी और डाल दिया है, जैसे ही 1 चम्मच पहले वाला घी ख़त्म हो जाता है वैसे 1 चम्मच घी और डाल दें, और इसको फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। और आप देख सकते हो बैटर ने कढ़ाई को छोड़ दिया है, इसका मतलब है सारा पानी जो है वो जल गया है। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह का बैटर आपका बन जाना चाहिए। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और एक एल्यूमिनियम का जो कोई भी बर्तन लेंगे, और उसके नीचे मैंने यहाँ पे फॉइल पेपर लगा दिया है और साइड से पूरा ग्रीस कर दिया है। तो अब एल्यूमिनियम का जो मैंने पेपर लगाया है उसके ऊपर अपने ड्राई फ्रूट्स डालेंगे जो मैंने कटिंग किए थे। और अब हम इसके अंदर अपना जो बैटर है वो डाल देंगे। और इसको स्पैचुला या स्पून की हेल्प से इस तरह से बराबर कर देंगे। तो अब देखिए ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको लगभग आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, और आधे घंटे के बाद हम इसे निकालेंगे तो ये एकदम से जम जाएगा, बिल्कुल केक के जैसे। तो दोस्तों आधे घंटे हो गए हैं और आप देख सकते हो ये अच्छे से जम गया है। तो नाइफ़ की हेल्प से हम पहले इसके कॉर्नर्स को अलग कर लेंगे, और उसके बाद इसको एक प्लेट में इस तरह से निकाल लेंगे थोड़ा सा टैप करके। तो आप देख सकते हो, ये देखिए केक कितना अच्छा बन के रेडी हुआ है दोस्तों।
अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। आप इसे बर्थडे में केक की तरह भी यूज़ कर सकते हो या फिर इसके पीसेस करके आप इसकी कलाकंद भी बना सकते हो। तो दोस्तों रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।